नमस्कार दोस्तों, आपका डेली न्यूज में स्वागत है। पिता ने घर में लगवाया खुफिया कैमरा, सामने आया 10वीं के पढ़ने वाली बेटी का चौंकाने वाला राज। प्रयागराज व्यापारी के तिजोरी में लगातार पैसे गायब हो रहे थे। घर में महज 3 ही लोग रहते थे, पति पत्नी और उनकी बेटी। परेशान व्यापारी ने अपनी पत्नी से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन व्यापारी ने अपने वकील दोस्तों और घटना के बारे में बताया तो उसने व्यापारी से चुपचाप सीसीटीवी कैमरे लगवाने की सलाह दी। घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर मामले का राज साफ हो चुका है। मुताबिक फंसी बेटी और चौंकाने वाला राज सामने आ गया। बेटी को निकाल रही पैसे तिजोरी से पैसे दरअसल तिजोरी से व्यापारी की बेटी ही पैसे निकाल रही थी। राज सामने आने के बाद छात्र विफर पड़ी और रोते हुए परिजनों को आप बीती सुनाई। छात्र ने बताया, स्कूल पढ़ने वाले 12वीं के एक छात्र से उसका वीडियो बना लिया है और वह वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वायरल करने की धमकी दे रहा है। वीडियो इंटरनेट पर ना डालने की वजह से वह पैसे मांगे तो पहले उसने घर में चोरी के पैसे दिए, उसके बाद छात्र ने लगातार ब्लैकमेल करता रहा। वही पिता की तिजोरी से पैसे निकाल कर उसे देती रही। 8,35,000 रुपये दिए, लेकिन पुलिस ने ब्लैकमेल पे शुरुआत 50,000 रुपये दिए। इसके बाद छात्र दबाव बनाकर 25,000 और 50,000 रुपये की किस्त लेने पर वह लेकिन पिते तिजोरी से काफ़ी पैसे कम होते गए। घर में हड़कंप मचा। मामला सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बाद खुला। थाने में दी तहरीर के अनुसार आरोपी की भी करेली थाना में और रसूलपुर में इलाके में रहने वाला है। तहरीर के अनुसार वह छात्र में 8,35,000 रुपये दिए थे। छात्र का फरार पुलिस कर दी रही है तलाश। राज खुलने के बाद बेटी के सामने पहुंचे तो मामले में विरुद्ध थाने के तहरीर में बताई आरोपी को खिलाफ FIR दर्ज करना है। पुलिस ने के गिरफ्तारी के प्रयास की और लेकिन वह घर से फरार है। मामले में का कहना है कि जांच की जा रही है और छात्र के परिजन बदनामी के डर से अपनी पहचान सामने आ नहीं लाना चाहिए। और हमें तहरीर मिली है कि छात्र घर से फरार है, उसे पकड़ने के बाद राज साफ हो सकेगा।